अगर आप दिन भर थके थके रहते हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, दिन भर थकान रहती है, काम करने का मन भी नहीं लगता, दिन भर कमजोरी महसूस होती है, तो आज बात करेंगे एक सिंपल सा घरेलू उपाय जिसे अगर आपने 3 दिन तक कर लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितने एनर्जेटिक हो गए हैं। अगर आप 65-70 साल के हैं तो भी आप अपने आप को 25 साल जितना एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो ये उपाय बच्चा, बूढ़ा, लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है। तो बात करते हैं उस उपाय की। उस उपाय के लिए आपको चाहिए 2 से 3 अखरोट, 20 से 25 किशमिश, आधी चम्मच धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर घर पर ही उसको पीस कर उसका चूरा बना सकते हैं। और चाहिए आपको 1 गिलास दूध। अखरोट में मिलेंगे आपको हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स। अखरोट यानी वॉलनट सिर्फ ब्रेन हेल्थ और मेमोरी के लिए ही फायदेमंद नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए भी बेस्ट माना जाता है। अखरोट में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अपने ढेरों फायदों की वजह से अखरोट को तो ड्राई फ्रूट का राजा भी कहा जाता है। किशमिश से कभी भी खून की कमी नहीं होती। हड्डियों के लिए किशमिश में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे हड्डियाँ मजबूत बनती है। ताकत और स्फूर्ति के लिए किशमिश में मौजूद नेचुरल शुगर आसानी से पच जाती है। पाचन क्रिया के लिए किशमिश खाने से हाजमा भी ठीक रहता है। धागे वाली मिश्री वजन कम करने के लिए मददगार है। इससे एनर्जी आती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो इस मिश्री से तुरंत आराम मिलता है, डायरिया से भी छुटकारा मिलता है और बच्चों के लिए तो बहुत फायदेमंद है ये मिश्री। इससे मेमोरी पावर भी बढ़ती है और दूध से आपको मिलता है प्रोटीन, कैल्शियम और फैट। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। अब बात करते हैं कि ये बनाना कैसे है। 1.5 गिलास दूध में 2 अखरोट और 20 से 25 किशमिश डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब ये अच्छे से उबल जाए और ये 1 गिलास रह जाए तब उसे गैस से उतारकर ग्लास में डाल लें और उसमें डालें 1/2 चम्मच धागे वाली मिश्री। इसे अच्छे से हिलाकर पी लें और अखरोट किशमिश भी अच्छे से चबाकर खा लें। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं या आप शाम को भी ले सकते हैं। आप इसे 3-4 दिन तक लेकर देखें, आप खुद महसूस करेंगे कि आप दिन भर कितने एनर्जेटिक हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो की किस तरह से आप दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं और अगर आप 65-70 साल के हैं तो किस तरह से आप अपने आप को 25 साल के लड़के की तरह एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।